अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बरकत अली। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं उज़्मी, यानी मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और आजकल जो दौर चल रहा है, उन दौर की बात करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अम्मी अब्बू की शादी के एल्बम में अपनी तस्वीरें ढूंढ रहे हो। क्या बात किया आपने भाई, टिकटॉक का जमाना आ गया। अब देखिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब दुल्हन को देख के स्टेज पे बाराती बोलेंगे, अबे ये तो वही टिकटॉक वाली है। अब आप देखिएगा आने वाले वक्तों में, मुझे ऐसा लग रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है, आने वाले वक्तों में माँ बाप अपने बच्चों से बोलेंगे तुझे पालने के लिए 12-12 घंटे ऑफलाइन तब जाकर पढ़ाऊंगा। अच्छा, बच्चों की बात आपने की है, बच्चे ऐसे तेज हो गए आजकल की, अब वो टीचर बच्चों से कह रही है जो मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती सुनाएगा मैं उसे किस दूंगी। एक बच्चा क्या कह रहा है, मैडम ये 1 से लेकर 100 तक की गिनती का क्या पैकेज है। अच्छा, जब बच्चों की बात हुई तो शादी की, जो शादी होगी तो बच्चे होंगे। अब आप देखो ना, मेरे नहीं, नहीं, शादी से पहले भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हाँ हाँ, मेरे ऊपर है। और देखो शादी से पहले, आप देखो मेरे दोस्त शादी के लिए लड़की देखने गया, शादी के लिए लड़की देखने गया, उसने सोचा इंग्लिश में बात करता हूँ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जाते ही पूछ रहा है इंग्लिश चलती है क्या। लड़की शर्माते हुए कह रही है अगर सोडा साथ हो तो देसी भी चलती है। अब आपने नहीं, मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है देखे पिछले दिनों जो रोज डे था, हाँ। तो मेरी बीवी ने मुझे बहुत सारे रोज ला के दिए, फिर चॉकलेट दे था, हाँ। उसने मुझे बहुत सारी चॉकलेट ला के दी, हाँ। बस अब वुमेंस डे का इंतजार कर रहा हूँ। बात है शादी से पहले आदमी की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद भी आदमी की जिंदगी अलग होती है। कैसे? शादी से पहले जब आदमी घर से निकलते दुआ मांगते हैं अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचते कहते अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। कैसे? शादी के बाद जब आदमी घर से निकलते कहते अल्लाह तेरा शुक्र, और जब घर पहुंचते कहते अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी बिकॉज़ यू आर अ मैरिड पर्सन। लेकिन हमारे मर्दों का अलग प्रॉब्लम है। क्या? जब बीवी के साथ बाहर निकलते ना तो मर्दों को घूर रहे होते हैं, और जब अकेले बाहर निकलते हैं तो औरतों को घूर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है अपनी टांग टूटने का किस्सा इतना लंबा करके सुनाते हैं, आपका दिल करता है कि आप उनकी दूसरी टांग भी तोड़ दें। क्या बात है बाबा। मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त डॉक्टर है। अच्छा, मुझे कह रहा बेटा बरकत सुबह जल्दी जल्दी उठाकर इससे जिंदगी लंबी होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या खाद लंबी होती है, सुबह सबसे पहले मुर्गा उठता है, शाम में उसकी कढ़ाई बनी हुई होती है। डॉक्टर की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर की बात, आपको पता है वो कौन सा थिएटर है, वो कौन सा थिएटर है जिसमें बंदे से पैसे भी ले लेते हैं और कपड़े भी? कौन सा? ऑपरेशन थिएटर। आपको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? किस बात पे? रात को जब आप सो रहे हो और कोई आपको उठा के बोले जा बेटा अपनी जगह पे जाके सो जा, लाइट आ गई। वैसे मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, हाँ। उसने जिसका भी इलाज किया है ना, हाँ। बाद में उसको कंधा भी दिया। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स को मैंने देखा मरीज को 3 वक्त की दवाई देते हैं, सुबह शाम और एक मरने के बाद। अच्छा, पॉलिटिशियन की अगर बात, पॉलिटिशियन की बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। क्या बात करेंगे? अब पॉलिटिशियन की बात करते हैं। देखिए, पॉलिटिशियनों का तो यह हाल हो गया, यकीन करें कि अपनी ही प्रोटोकॉल की गाड़ियों को देखकर साथ वाले से पूछ रहे होते यार ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है। वाह वाह वाह। अब देखिए ना, पॉलिटिशियन ऐसे हो गए, मैंने एक पॉलिटिशियन से बोला, मैंने कहा पाकिस्तान में इतना पैसा खा गए आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या कह रहा है, जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी बोलती थी बेटा खाते वक्त कुछ नहीं बोलते। अब एक पॉलिटिशियन कह रहे हैं हम आपको अच्छे दिन देंगे, मतलब अच्छी रातों का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा जोक क्या है? क्या है? एक पॉलिटिशियन कह रहा है मैं बीमार था, हाँ। और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब कोई गरीब के हक के लिए लड़ता है तो लड़ते लड़ते इतना अमीर कैसे हो जाता है? ये बात तो है, हमें भी अमीर होना है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।